वो कहलगांव एनटीपीसी है, यहाँ तक आप देख लीजिए, वहाँ इसलिए देख लीजिए जहाँ तक कि राख आया था उसमें एक वाइट का परत चढ़ गया। एनटीपीसी के चारों ओर आप देख सकते हैं ये एक पाइप बिछाया हुआ है। फिर से एक बार आप चारों साइड का नज़ारा देख लीजिए, वो कहलगांव एनटीपीसी है, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये चारों साइड जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी हमने आपको बताया एक समुद्र नहीं, उसका वेस्टेज माल जो डंप किया जाता है बिजली बनाने के दौरान में, जो वेस्टेज माल निकलता है वो वेस्टेज माल से चारों साइड समुद्र जैसा बनी है, जैसा कि आप चारों साइड का नज़ारा देख लीजिए। और कई किलोमीटर तक है, ये भी आप सोचकर परेशान या दंग नहीं होना है कि आपको अगर यहाँ जाएंगे आगे जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये कई किलोमीटर तक है जैसा कि आप चारों साइड का नज़ारा देख लीजिए। तो चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट दिशा में, नेक्स्ट दिशा का आपको व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपसे हम्बली आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फाइनली दोस्तों हम कोशिश करते करते उस पानी की ओर पहुँच गए, जैसा कि आप मेरे चारों साइड पानी देख सकते हैं। वो फिर से आपको एक बार दिखा दें, वो कहलगांव एनटीपीसी आपको सामने में दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है, और उसका जो माल डंपिंग किया जाता है, जो वेस्टेज माल निकलता है बिजली बनाने के दौरान में, हम उस पानी में पहुँचे गए। और पानी दोस्तों एक बात आपको बता, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये नदी के पानी से बिल्कुल डिफरेंट है। और डिफरेंट के साथ साथ और भी एक चीज़ आपको देखने के लिए दोस्तों आपको मिलेगा, वो ये कि पानी में थोड़ा रूखापन है। रूखापन कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि इस पानी को आप देख सकते हैं, रूखापन कहने का मतलब यह है कि पानी, जैसे कि हम लोग के घरों में गंगा में पानी आता है तो चिकनाहट टाइप में होता है, इसमें मतलब क्या बताया जाए कि मतलब रूखड़ा रूखड़ा टाइप में पानी लग रहा है। हो सकता है कि उसके बिजली बनाने के दौरान में जो पानी यूज किया जाता है, उससे जो माल डंप किया जाता है और उसके साथ साथ जो पानी निकलता है, तो वो इसलिए होता होगा। अगर आपको इस बारे में आइडिया है कि आखिर घर में जो पानी है, गंगा में जो पानी निकलता है, उससे अलग ये पानी है और डिफरेंट कैसे है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इनके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चारों साइड का नज़ारा देख सकते हैं, चारों साइड आपको सिर्फ अब पानी ही पानी दिखाई देता होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ और आपको हम दिखाने का प्रयास करें, मेरा हाथ आप देख लीजिए, वो हाथ इसलिए देख लीजिए जहाँ तक कि राख आया था उसमें एक वाइट का परत चढ़ गया है, कलर का आप देख लीजिए, इसमें एक परत चढ़ गया है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ है आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। एनटीपीसी के चारों ओर आप देख सकते हैं ये एक पाइप बिछाया हुआ है, इस पाइप में पानी सप्लाई हो रहा है, और आप देख सकते हैं एक फवारा की तरह आप चारों साइड देख सकते हैं ये, और आप ये साइड भी देख सकते हैं फवारा की तरह इस डंपिंग यार्ड में पानी दिया जा रहा है। आई डोंट नो क्यों दिया जा रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएं क्यों दिया जा रहा है, इनके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस लाइन से आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी जो पाइपें आप देख रहे हैं, इस पाइपों के द्वारा भी पानी ही सप्लाई किया जा रहा है आगे, और इस साइड भी आप ये देख सकते हैं, और जस्ट लाइक ये चारों साइड देख रहे हैं, और इस एनटीपीसी के चारों साइड ये पाइप पर बिछाया गया है, और इस चारों साइड से पानी इसमें दिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट दिया जा रहा है, जैसा कि अगर इनके बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जैसा कि ये साइड भी आप देख सकते हैं और ये साइड भी देख सकते हैं, हमें बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।